अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। अगर अल्लाह ने कुछ चाह लिया तो कायनात भी उसे नहीं रोक सकती। लॉकडाउन की तो फिर बिसाती क्या है। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि बड़े होने पर उनके बच्चों की शादी हो जाए और वे अपनी गृहस्थी बसा लें। लेकिन यदि हाइट ही 3 फुट हो तो इस सवाल का हल ढूंढने में मेरठ के लिसाड़ी गेट निवासी 2 परिवारों को पूरे 6 बरस लग गए। जवाब आया तो दोनों ही परिवारों के एक तरीके से मुराद पूरी हो गई और 3 फिट के दूल्हे को 3 फिट की दुल्हनियाँ मिल गई। निकाह करीब 3 माह पूर्व होना था लेकिन लॉकडाउन एक बार फिर से दीवार बनकर खड़ा हो गया, लेकिन आज वह दीवार भी टूट गई। दरअसल लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के लखीपुरा निवासी फिरोज की लंबाई 3 फीट है, जबकि घर में सभी सामान्य कद के हैं। काफ़ी कोशिश की लेकिन फिरोज का जोड़ा नहीं बन पाया। एक रोज वे अपने दोस्त के घर गए तो उसकी भाभी ने फिरोज को देख लिया और वह देखते ही खुशी से उछल गई। दरअसल उसकी बहन भी 3 फीट की ही थी और इसी कारण उसका भी विवाह नहीं हो पा रहा था। बात आगे बढ़ी और रिश्ता और फिर शादी हो गई। फिरोज का यह कहना है कि वह कुछ फिल्मों में काम कर चुके हैं। आइए पहले सुनते हैं फिरोज की जुबानी और फिर दुल्हन के परिजनों की। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फिरोज। फिरोज, आज आपकी शादी हो रही है, इसमें क्या? मैं काफ़ी खुश हूँ। जब तक खुदा का हुक्म नहीं होता कुछ नहीं होता है। काफ़ी खुश। अच्छा, आपके रिश्ते में काफ़ी परेशानी आई है, तो उसमें किस तरह की परेशानी आती है? जी हाँ, इस तरह की हाइट के लिए तो परेशानी आती है, लेकिन यह जोड़ी ऊपर वाले ने सभी की बनाई है। क्या नाम है? इम्तियाज़ जी। आज आपकी बच्ची की शादी है, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही। जैसे आपकी बच्ची की हाइट कम है, ऐसे जो है रिश्ते के लिए आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा होगा? हाँ जी, बहुत दिन सफ़र है, कई साल परेशान तो है ही। अभी रिश्ता किस तरह से हुआ बच्ची का? इस तरह से हुआ भाई, लड़की की हाइट के कम से वजह से हुआ था ना दिन। इस रिश्ते को लेकर आप खुश हैं? खुश है जी, हाँ जी, अल्लाह ने जोड़ा मिला दिया। अपने बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे इस रिश्ते के लिए? मैं जी अपने बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, खुश होंगे, खुश रहें जी। जी क्या नाम है आपका? बाबू। बाबू भाई, आप आपकी बेटी की शादी है, कैसा लग रहा आपको? क्या बढ़िया लगा जी, ऊपर वाले की दुआ से। जैसे आपकी बच्ची का जो है कद कम है, उसको लेकर आपने क्या परेशानियों का सामना उठाया आपका? बस लड़का ढूंढने का, उसमें कुछ अपनी कमजोरी पैसे की। कितने समय में रिश्ता मिल पाया आपको? ये करीबन 5-6 साल हो गए। आपकी बच्ची की हाइट का जो रिश्ता मिला है, कितने समय में मिला है? 5-6 साल में। 5-6 साल। अच्छा, अब जैसे लॉकडाउन के टाइम में आपने जो बच्ची का निकाह किया है, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको आई है? दिक्कत तो है ही है, जब पैसा नहीं पास तो कैसे करे, तो मजबूरी में जब लड़का मिला है तो नो सोच के करना पड़ा। अगर लड़की लंबे हाइट की होती तो फिर तो अपने हिसाब से होता। तो इसी रिश्ते को लेकर आप खुश हैं? हाँ खुश है जी, लड़के के ज़्यादा से घर तो बिठा नहीं सकते और पैसे बगैर परेशान है जब हिला नहीं।